अच्छा सुनो, सोचो कि तुम मेरे एक दिन के लिए टीचर हो, तो कोई ऐसी गलती बताओ मैं जो दोबारा ना करूं। गलती? अरे नहीं, तुम कहां कहां गलती करती हो यार। अरे मैं कुछ नहीं कहूंगी यार, बताओ ना। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। कभी कभी जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ ना यार, तो जैसे ही मैं ऑफिस से आता हूँ थका हारा मतलब, तो तुम एकदम से मेरे सामने आके ना अपनी सारी बातें करने बैठ जाती हो। अच्छा तो ये गलती करती हूँ मैं, और मैं तुम्हारे को अपनी मन की बातें भी ना बताऊं? आदमी के साथ बैठ के दो तसल्ली की बातें ना करो, ये तुम्हें मेरी गलती नजर आने लगी अब। अरे नहीं नहीं पूरी बात तो सुनो, बात पूरी सुनी। मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरा घर आने का ना वेट मत किया करो। जैसे ही मैं ऑफिस में होता हूँ ना, काम के बीच में फोन कर दिया करो मुझे, और अपनी सारी भड़ास दिन की जो भी है वो ही तभी निकाल लिया करो। अच्छा ऐसी बात है? हाँ। अरे हाँ यार, वैसे भी ना मैं भूल जाती हूँ शाम तक, आधी बातें तो मेरी याद ही नहीं रहती है। अच्छा ना मैं तुम्हारे ऑफिस वाले टाइम में ही कॉल कर दिया करूंगी, ये तुमने सही बताया मुझे, थैंक यू। यार ये सामने वालों के यहाँ बड़ी चहल पहल हो रखी है, क्या चक्कर है? अरे वो जो उनकी लड़की है ना, उसको देखने वाले आ रहे हैं आज। अच्छा यार मुझे नहीं समझ में आता ये शादी से पहले लड़की देखने का कायदा। अरे जब कूदना ही कुएं में है तो गहराई नापने का क्या फायदा। अच्छा खुद तो तुम मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने आए थे, अब तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। अरे बात बताओ, तुम्हारे खुद छोटे भाई की शादी है, हैं? दूसरों के घरों में झांक के तुम ये कुएं खाई की बातें कर रहे हो? पता है शादी ना लड़कियों के जीवन का सबसे बड़ा जुआ होता है। लड़का अगर अच्छा मिल जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, और अगर लड़का खराब मिल जाए ना तो नरक के सारे दरवाजे ना ससुराल में ही खुलते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन कम से कम लड़कियों को शादी के बाद दो ऑप्शन तो मिलते हैं। लड़कों को तो बेचारों को चाहे लड़की अच्छी मिले या बुरी, भोगना नरक ही पड़ता है। यार हमारी पड़ोसन पता नहीं क्या खाती है, सुबह 5 से 7 रोज योगा करती है फिर भी नहीं थकती। अरे ये तो कुछ भी नहीं, कई बार तो शाम को 6 से 8 भी एक्सरसाइज करती है, उसके बाद 10 सेक्टर के पार्क में वॉक करने भी जाती है। ये फंस गया सी है। सुनो। हाँ? एक समझदार आदमी और एक पागल आदमी में क्या फर्क होता है? समझदार आदमी पैसे जोड़ता है। अच्छा। और अपना सारा ध्यान पैसे जोड़ने पर लगाता है। और एक पागल आदमी? पागल आदमी? पागल आदमी उन्हीं जोड़े हुए पैसों से शादी कर लेता है।